हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आप लोग के डिमांड पे कि आप लोग बोल रहे थे कि नानी जी की स्टोरी लाइए। तो फाइनली आज मैं दिल्ली में आया अपनी मौसी के यहाँ, तो नानी और मौसी दोनों साथ में थी, तो मैंने सोचा चलिए आज नानी का कुछ हॉरर एक्सपीरियंस ही हो जाए। तो ये मेरी नानी आप लोग को जैसा पता है, और ये सबसे जो बड़ी मौसी है मेरी वो है। तो कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था, तो आज प्रूफ भी आप लोग के सामने है, तो आज नानी आप लोग को कहानी सुनाएगी। तो सुनाइए नानी जी। सुनिएगा आप लोग। तो जब हमको पेट में थी तो खाने को मन किया था चना के साथ, तो हम सोचे कि चलो खेत में जाएंगे तो उधर रात में खोद के अपना खा लेंगे। तो बीच में एक गड्ढा पड़ रहा था, उसमें बहुत भूत प्रेत रहता रहा, तो वही हमको भैंस बन के हमारा पीछे 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 खेत में जा रहा है। फिर भी हम नहीं देखे तो हमारा एक सास थी वही देख रही थी। फिर भैंसा से सुअर बन गया, तब हमारा सास को थोड़ा डर हो गया, वो हमको चिल्लाने लगी कि बहू आओ जल्दी हम लोग थोड़ा खोट ले तब हम आएंगे, तो नहीं तुम आओ। वो हमको डांट के बाहर निकाल के लेके आई, घर में सब बात हमको बताई, ऐसे ऐसे हम देख रहे तुम्हारा पीछा लग रहा था। अब यही हमारा कहानी है बेटा। फिर वो बदलने लगा, फिर रूप बदलने लगा वो। अच्छा, वो वाला नानी सुनाइए जो ये मौसी गई थी कुएं के पीछे मछली। बच्चे एक और सुनिए, जब हम लोग भाड़े में थे तो हमारा यही बच्ची थी, तो बगल में तालाब था, तो लड़का के बुद्धि रात में का करी कि साड़ी लेके गई मछली पकड़ने के लिए। तो दो ठो थी दोनों लड़की, दोनों उसे साड़ी पकड़ के अपना मछली मारने लगी। तो उधर उधर जंगल से माने पायल का आवाज मिला। आप बताइए मौसी थोड़ा कि कैसा उस टाइम आपको डर लगा था जब पायल की आवाज आपने सुना था। जब हम लोग दोनों बहन हम लोग गए मछली पकड़ने, तो रात के 10 बज रहा था तो हम लोग पकड़ने गए। जैसे ही हम लोग तालाब में घुसे, उसके बाद छम छम के पायल के आवाज़ आने लगा। तो हम लोग बोले गए चलो हो सके कोई और होगा, कोई आ रहा जा रहा होगा। फिर बार बार जब भी जैसे घूस अंदर जा रहे हम लोग, तो लेकिन 2-3 बार पैर के आवाज़ आने लगा छम छम। फिर हम लोग सब बहन दौड़ के भग गए घर पर। फिर घर पर जाके अपनी मम्मी से बताएं, मम्मी ऐसा ऐसा बात है। तो मम्मी बोली कि तुम्हें बताया है ना कि रात को ना जाया करो मछली पकड़ने, यही हमारे साथ। तो नानी एक और कहानी सुनाइए मौसी वाला ही। हाँ, तो बच्चे लोग यही हमारा लड़की को हम पेट में बच्चा था, तो वही 10-11 बज रहा था, तो इसको लग गया पैखाना। बोली माँ हमको ले चलो बाहर में, तो हम बोले चलो अपना संग में ले गए इसको बैठा के। कुछ दूरी पर हम थे तो क्या हुआ कि इसका पीछे में जैसे गाछ एक छोटा सा गाछ लेखा था, उसी गाछ हिलने लगा। तो हम सोचे कि भाई इसका ऐसा शरीर है, यहाँ गाछ उच कुछ नहीं था, ये कहाँ से गाछ हो गया डोल रहा है। फिर उसके बाद हम इसको बोले कि चलो हो गया तो उठो। तब बोल रही नहीं माँ थोड़ा देर और ठहर जाओ। उसको बाद क्या हुआ कि वहाँ कुत्ता बन गया। क्या वो पेड़? हाँ, पेड़ कुत्ता बन गया और कुत्ता उसको पेड़ को ऐसे ऐसे हिला रहा है। तब हमको बहुत डर लगा, तब इसको जोर से डांटे कि चलो घरे। तो उठ के आई, तब आगे आगे करके पीछे में हम थे, आगे आगे इसको करके घर में ले आए। तो वो भी सवेर में हम देखे बच्चे लोग, तो वहाँ कुछ नहीं था, और रात में ये कांड हम देखे। कहानी अच्छा था ये। मौसी आपको कुछ अलग सा कहानी याद है, जैसे कोई भी जिससे आपको थोड़ा डर लगा हो, याद करिए कुछ। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। छोटी सी वीडियो थी, लेकिन जो भी नानी ने बताया वो बिल्कुल रियल इंसिडेंट था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा।
तो देखते हैं, अभी तो मौसी को फिलहाल याद नहीं है कहानी, जब याद आएगा तो हम फिर से आपके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।